Welcome, my dear genius friends. Welcome to your favorite channel, Buddhi Tree. Friends, today we are going to solve the question paper of English of Gala M assignment. This is paper number 2 of first language. And we are going to solve section C today. तो पहला जो पार्ट है इसमें हमको एरर्स को रेक्टिफाई करना है. जैसे बट यू कुड सी, तो कुड की जगह आएगा कैन. विद द डॉक्यूमेंट्स के बदले विद के बदले क्या, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में से ऑनरेबल नतालिया, ऑनरेबल के बदले आएगा ऑनर्ड. ऑक्सन मीडो, इट वॉज ट्रू के बदले क्या आएगा, इट इज ट्रू. वेयर वंस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, वंस के बदले ये आएगा, ये वाला वंस. एंड नाउ एवरीबडी नोज, नाउ के एंड के बदले क्या है, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माई. एंड में माई नहीं आएगा, एंड में क्या आएगा, माइन आएगा. ये सब एरर है, आपको सुधारना है. ओके, सो नाउ हम सेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं. ये फिल इन द ब्लैंक्स है. तो आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप. हाउ अबाउट 1, 2, 4 और ओके. अब ये है पैसेज है. Punctuate the following way. Punctuation है इसमें आपको मार्ग, punctuation marks लगाने. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Ask Peggy. तो देखिए पहले जो आप कोई स्टेटमेंट बोलता है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा. Do you think, तो यहाँ पे कॉमा आएगा. ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोल दिया है. नतालिया से बोल रही है पहला वाक्य लोमो से. आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर यू मोस्ट हु नो लीस्ट. तो नतालिया सेड दैट सी हैड नोटिस. दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट को हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. द हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका हैड नोटिस. दोज हंटर्स आर यू मोस्ट हु नो, नो के बदले क्या हो जाएगा, हु न्यू, सिंपल पास्ट टेंस. मैडम प्लीज बी साइलेंट, माय हार्ट इज गोइंग टू पीसेस, शट अप. तो ये वो चिल्ला के बोल रहा है, इसलिए लोमो येल के बदले लोमो टोल भी बोल सकते हैं. लोमो टोल एंग्रीली, इट इज ऑल्सो राइट. टू प्लीज बी साइलेंट अथवा रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट. प्लीज को रिमूव करके आप रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर. एंड asked to shut up as his heart was going to pieces. बराबर, देखिए क्या बोला है वो, please be silent. तो क्या बोलेंगे, requested to be silent अथवा order to be silent. requested much better है, to be silent. ये imperative sentence है. and added his heart was going to pieces and asked to shut up. ये भी imperative sentence है, बराबर. और इसको transform करना है. Inside the clouds everything was suddenly black. इसमें question tag लगाना, तो question tag के लिए हमने video prepare किया है. तो question tag में अगर आपका sentence affirmative है तो question tag negative होगा. helping verb was है तो क्या हो जाएगा, wasn't it. I wrote the 3 pages Miss Kissing had assigned me, turned into pieces. तो देखो subject, verb, 3 pages ये object है, और 3 pages I had been assigned by Miss Keeping were written by me. I wrote the 3 pages. तो ऐसे भी इसको ऐसे भी लेके कह सकते हैं. 3 pages were written by me. यहां पे देखिए मिस कीसिंग सब्जेक्ट, असाइन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट.
आई हैड बीन असाइंड बाय मिस्टर किसिंग। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दोनों मैंने एग्जांपल बता दिए। रिमूव टू, द फैक्ट वॉज टू हार्ड टू बिलीव, तो द फैक्ट वॉज सो हार्ड दैट इट कुड नॉट बी बिलीव्ड। अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द फैक्ट वॉज सो हार्ड दैट आई कुड नॉट बिलीव इट। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देखिए, टू को रिमूव के सो दैट, ये पास्ट का इसलिए क्या आएगा, कुड, बराबर। यहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया तो वन भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, आई भी मैंने लिख दिया, इट इज ऑल्सो राइट। बैंकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल एक्सप्रेशन इन द ओल्ड डेज। तो देखिए, इसमें वॉट का यूज हुआ है क्योंकि यहां पे ए आया है। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो इसमें ए और एन दिया हो आपके असर्टिव सेंटेंस में तो वॉट का यूज होता है। ओके, व्हाट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बैंकिंग वॉज इन दोज डेज, और पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगी, बराबर। अगर ए और एन दिया हो तो वॉट का यूज करते हैं, अदरवाइज आप हाउ का यूज करना पड़ता है। ओके, द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ट अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यूज नॉट ओनली। तो इसमें दो ऑप्शन है, ऑपरेशन है और दूसरा है ऑपरेस्ट। नॉट ओनली द ऑपरेशन बट ऑल्सो द ऑपरेस्ट आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। देखिये, नॉट ओनली बट ऑल्सो में याद रखना, नॉट ओनली के बाद पहला ऑप्शन आता है, बट ऑल्सो के बाद दूसरा ऑप्शन आता है। तो देखिए, इसमें दो है, ऑपरेशन और ऑपरेस्ट। ऑपरेस्ट, ऑपरेशन है अत्याचार करने वाला, ऑपरेस्ट यानी जिसपे अत्याचार किया जाता है। ओके, तो ये हमारा ग्रामर सेक्शन, ये भी पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।